तो आप एक काम करो, 40 दिन की जमात में चले जाओ, उधर बयान करो, आपके बयान को लोग सुनेंगे। और अगर आपको पॉलिटिक्स करना है, पॉलिटिक्स की बात करनी है, तो 15 साल में जो काम नहीं हुए हैं, जैसे टोरेंट का मसला है, जैसे नशे का मसला है, जैसे प्लेग्राउंड का मसला है, जैसे कब्रिस्तान का मसला है, जैसे हॉकर्स का मसला है, सफर भाई, मुमरा में जोरों शोर से देखा जा रहा है कि नजीब मुल्ला साहब की जो है हवा यानी लहर चल रही है, और इससे कहीं ना कहीं विपक्ष बहुत ज़्यादा नुकसान दिखता नज़र आ रहा है और चेहरे की हवाइयाँ भी उड़ी हुई हैं। लेकिन अक्सर ये देखा कि आखिर हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले और ऐसे ऐसे नारे भी लगाए जा रहे हैं हर सोसाइटियों में जाकर के, सर क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये इलेक्शन है, अगर नारा लगाने का शौक है ना जिसको, जो लोग भी जाकर के, मैंने देखा शरीफा रोड पे भी एक सोसाइटी में गए थे, तो वहाँ हदीस पढ़ी जा रही थी, और हमारे जो खुलफाए राशिदीन हैं उनके बारे में बयान किया जा रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पैदाइशी मुसलमान हैं, जिस सोसाइटी में आप गए थे वहाँ के लोग भी ईमान वाले लोग हैं और पैदाइशी मुसलमान हैं। वहाँ जा कर के हदीस की बातें, हदीस जो है या खुलफाए राशिदीन की जो बातें हैं, या हमारे जो खलीफा गुजरे हैं, या हमारे पैगंबर हैं, हमारे नबी हैं, हमारे सहाबी हैं, हमारे मजहब दीन इस्लाम कुरान हदीस की रोशनी में जो भी बात करनी है वो हमारे उलमा करते हैं। उलमाओं ने ये बात जो है, उलमाओं को जबान से अच्छी लगती है, बाकी कोई भी जाकर के अपनी मफाद के लिए, अपने वोट के लिए, अपनी राजनीति के लिए जाकर के हदीस सुनाते हैं, तो मेरी उनसे एक ही इल्तिजा है, या तो आप एक काम करो, 40 दिन की जमात में चले जाओ, उधर बयान करो, आपके बयानात को लोग सुनेंगे। और अगर आपको पॉलिटिक्स करना है, पॉलिटिक्स की बात करनी है, तो 15 साल में जो काम नहीं हुए हैं, जैसे टोरेंट का मसला है, जैसे नशे का मसला है, जैसे प्लेग्राउंड का मसला है, जैसे कब्रिस्तान का मसला है, जैसे हॉकर्स का मसला है, उस पर बात करनी चाहिए, ना करके जाकर के हदीस सुनानी चाहिए। या हदीस सुनाइए, लेकिन हदीस कौन सुनाएगा? मुझे उलमा सुनाए, बुजुर्गाने दीन सुनाए, जो लोग समाज के सुलझे हुए लोग हैं वो सुनाए। मैं आया हूँ इलेक्शन की कंपेनिंग करने के लिए, और वहाँ जाकर के हदीस सुना रहा हूँ, गलत है। पॉलिटिक्स को से इसको दूर रखिए, हमारा मजहब क्या है उसके बारे में पहले आप जानिए, समझिए, उसके हकीकत को समझिए, क्या कहना है, कहाँ कहना है, कब कहना है, उसके बारे में जरा समझिए, इस तरीके की राजनीति ना करें आप। सफर भाई, दूसरी बात, एक बात और बता देता हूँ समीर भाई, नबी मुल्ला साहब भी पैदाइशी मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, ईमान वाले के घर में पैदा हुए हैं, तो नबी मुल्ला साहब एक बार ये बात कहे ना तो अच्छा लगता है। बाकी दूसरे लोग जो जा करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब बातें करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की बातें ना करें। जफर भाई, लेकिन कहीं ना कहीं नजीब भाई के ऊपर जो है, नजीब सर के ऊपर एक टैग लगा हुआ है बीजेपी, जिसका लोग फायदा उठा रहे कि बीजेपी है, बीजेपी है, सर इसको कैसे आप फेसिंग करेंगे? पहली बात तो जो लोग, या तो वो लोग नशे में रहते हैं, उनको होश में नहीं रहते, पहली बात, इसलिए मैंने कहा कि मुमरा शहर में एक रिहायश सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र की सख्त जरूरत है। मैं बार बार कहता हूँ कि पहली बात उनको बोलिए कि आप होश में रहकर बात करें। नजीब भाई की निशानी घड़ी है, उसके सरो सरवा अजीत दादा पवार है। अजीत दादा पवार ने कहा है कि मैंने सेकुलरिज्म को मजबूती से पकड़ा, मैं सेकुलरिज्म के साथ में हूँ, किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ कोई भी जुल्म ज्यादती होगी मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। उन्होंने जो मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो फंड आता है, जो 250 करोड़ से 600 करोड़ कर दिया, जो विशालगढ़ के दरगाह पे हमला हुआ उस पर भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके उसको, जिन लोगों ने उस पर शहीद करने की कोशिश की उसके खिलाफ बोला, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पे एक्शन होना चाहिए, वहाँ मुलाकात की। तो जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो उनसे ये कहिए कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले बाल ठाकरे साहब के साहबजादे उद्धव ठाकरे, जो बार बार कहते हैं बाबरी मस्जिद हमने गिराया, उनके बारे में जरा सोचें। जो लोग हमारे वक्फ बोर्ड की जब बात चली पार्लियामेंट में, जिसको हम लोगों ने अभी इंडिया अलायंस में जो है वो लोग उद्धव ठाकरे के 9 MP जो छोड़ करके भाग करके चले गए, उस पर बात करिए। महाराष्ट्र में 92 के दंगे के बाद मुमरा बसा, उस पर बात करिए। बाबरी मस्जिद की शहादत में कौन था उस पर बात करिए। 92 का दंगा किसे कराया उस पर बात करिए। ये सब बातें करके लोगों को गुमराह मत करिए। पूरा शहर आपसे बदसर हो चुका है, परेशान हो चुका है, यही सब बातें 15 साल से सुन सुन करके लोग आजिज आ गए हैं।
अब सिर्फ शहर में विकास की बात होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं देखता हूँ, मैंने कई सोसाइटियों में पूछा कि जब वो लोग आए तो क्या कहे, बोले हमने जैसे टोरेंट का सवाल किया तो वो लोग उनके चार लोग खड़े करके बोलते नहीं 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 ऐसे बातें मत करो, अभी ईमान खतरे में। अबे ईमान तो हमारा आज 1400-1500 साल हो गया, फिरौन जैसे शख्सियत फिरौन को हमने नहीं बख्शा, अल्लाह ताला ने उसको गारत कर दिया, वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, उसको हमने नहीं, अल्लाह ताला ने उसको खाक कर दिया, डुबा दिया, उसकी नस्ल नाबूद कर दिया। हमने बाला साहब ठाकरे का भी दौर देख लिया, हमने मोदी जी का भी दौर देख लिया, हम मुसलमान हैं, हम किसी से डरते नहीं, इस्लाम कोई खतरे में नहीं है। इस्लाम का अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बोलबाला बढ़ते जा रहा है, लोग इस्लाम की तरफ मुतासिर हो रहे हैं और लोग इस्लाम को अपना रहे हैं। बड़ी बड़ी शख्सियत जो हिंदुस्तान के ब्रांड है, जिनको लोग ब्रांड समझते हैं, चाहे वो मोहम्मद अली किले हो, चाहे ब्रायन लारा हो, चाहे और इस तरीके के और भी लोग हैं, जिस तरीके के चाहे वो पाकिस्तान के जो प्लेयर थे, क्या नाम है उनका, यूसुफ योहाना साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, इस तरीके की बेशुमार मिसालें ऐसी हैं जो इस्लाम से मुतासिर होकर के इस्लाम को कबूल किया है उन्होंने। तो इस्लाम खतरे में है, ये बात आप हमको मत बोलिए, लोगों के दरमियान में ये सब बातें जाकर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें।